जेएमडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जानना जरूरी है। जानना जरूरी है में मैं आज चर्चा करेंगे टैक्स प्लानिंग की। ये वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने चल रहे हैं, टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है, वरना इन महीनों में नकदी का संकट आ जाता है और व्यक्ति को, खास तौर से नौकर पेशा व्यक्ति को, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वैसे तो टैक्स प्लानिंग वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही शुरू कर दें तो कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अंदाजा रहेगा कि आपकी साल भर की आय कितनी होने वाली है, उसमें से कितना टैक्स में जाना है। पहले से ही अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हम टैक्स के रूप में राजस्व सरकार को देते हैं, इसी से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इसी धन से सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, बैराज बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं। यानी देश के विकास में ये हमारा योगदान है, इसको इस रूप में देखना चाहिए। लेकिन हम अगर ठीक से प्लानिंग करके चलेंगे तो कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर टैक्स कंसल्टेंट श्री संतोष गुप्ता जी। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को, चूंकि ये वित्तीय वर्ष के अंतिम माह चल रहे हैं, इसलिए ये सबसे पहले आप बता दीजिए दर्शकों को कि आखिर टैक्स का स्लैब वर्तमान में क्या है, किस आधार पर टैक्स लगता है। देखिए अंजलि जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि होता ये है कि जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है, जिसको हम लोग चालू वित्तीय वर्ष कहते हैं, वो इस बार 19-20 फाइनेंशियल ईयर है, माने 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 तक ये समाप्त होगा। तो इस वित्तीय वर्ष में जो भी हमारी आमदनी होगी, जिस स्रोत से भी आमदनी हो, चाहे सैलरी से हो, चाहे हमारी हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे हमारी कैपिटल गेन से हो, कोई प्रॉपर्टी या शेयर वगैरह हम बेचे खरीदें, या कोई कारोबार हम कर रहे हों, कोई पैसे से हो तो उनकी आमदनी हो, या अन्य स्रोतों से आमदनी हो, ब्याज वगैरह जो भी है, उन सब को मिलाकर जो टोटल आमदनी हमारे इस पूरी वित्तीय वर्ष की बनेगी, उस आमदनी पर हमको अपनी इनकम टैक्स की अदायगी करनी होगी। जी जी बिल्कुल। इसलिए ये बिल्कुल माकूल अब समय है कि वित्तीय वर्ष के लगभग लगभग 9 माह व्यतीत होने वाले हैं। आज से 3 दिन के बाद 9 माह पूरे हो जाएंगे और शेष बचेंगे 3 माह। तो उन 3 माह में हम यदि अपने टैक्स को, प्लानिंग को व्यवस्थित करके चलेंगे, तो जब हम जितनी टैक्स की छूट इनकम टैक्स नियमों के तहत ले सकते हैं, उसके लिए हमें कई निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, कई छूट हेतु हमारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह होते हैं, कारोबारी तमाम रिसर्च है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत छूटे हैं, तो वो 3 महीनों में उसको बड़ी आराम से यदि अभी विचार करके चलता है, प्लान करके चलता है, तो आराम से कर लेगा। कैश की, लिक्विडिटी फंड की भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एक प्लान कर लेगा कि हमको कितना पैसा कहाँ कैसे क्या निवेश करना है, उसके लिए धन की उपलब्धता वो सुनिश्चित कर लेगा, ताकि इनकम टैक्स उसका बच सके और टैक्स प्लानिंग वो विधिवत रूप से करके उसे आराम से उस पैसे को 31 मार्च तक निवेश कर ले, ताकि उसकी छूट उसे इस वित्तीय वर्ष में मिल जाए और टैक्स में उसे राहत हो, उसका टैक्स का बोझ कम हो सके। टैक्स प्लानिंग का अर्थ ये होता है कि हम आयकर कानून के नियमों के तहत ही टैक्स को जो छूटें मिली हुई हैं, हमें जो कटौतियां मिली हुई हैं, उनका लाभ ले सकें। टैक्स प्लानिंग का ये मतलब नहीं होता कि हम किसी तरह से उसमें गोलमाल करके या कुछ करके करें। टैक्स प्लानिंग सही अर्थों में यही होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने अनेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि सरकार ने कुछ टैक्स छूट हेतु व्यवस्था कर रखी है, नियम बना रखे हैं, तो करदाता का ये अधिकार है कि वो उन नियमों के तहत उन छूट का भरपूर फायदा उठा ले और उठा सकता है। इसके लिए उसे रोका नहीं जा सकता, उसे वो साधन पूरे मुहैया हैं और वो उनका फायदा ले सकता है। इसके नाम पर ये नहीं कहा जा सकता कि उसने टैक्स कम कर लिया अपना, क्योंकि कम करने की छूट स्वयं सरकार ने उस कानून में उसको दी हुई है।
उसका वो लाभ ले सकता है, उसका वो लाभ ले ले, तो उस लाभ लेने का ये बिल्कुल माकूल समय है। तो लगभग जब 9 महीने व्यतीत हो चुके हैं तो हर आदमी को, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे पेशेवर हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, सबको एक अपना मोटा मोटा अंदाज हो जाता है कि हमारी क्या आमदनी इस साल में होने वाली है। 9 माह हो चुके हैं, जैसे आप वेतनभोगी या नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो 9 माह तक उनको सैलरी मिल चुकी है। उस सैलरी से उन्हें पूरे 3 महीने आगे भी सैलरी का पूरा अनुमान हो जाता है कि हमारी कुल सैलरी इतनी होगी, कितनी रहने वाली है। जो लोग सिर्फ किराए की ही आमदनी कर रहे हैं या मकान वगैरह हैं उनके पास, उसमें क्या आमदनी हो रही है, क्या हमने इस बार वित्तीय वर्ष में अपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है या कोई शेयर वगैरह डिबेंचर वगैरह खरीदे बेचे हैं, उससे हमें कोई लाभ हुआ है तो उसकी आमदनी कितनी होगी, या हम बेचने वाले हैं आगे 3 महीने के अंदर उससे क्या होगी। जो कारोबारी है या पेशेवर व्यक्ति है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, CA हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, फिल्म अभिनेता हैं या जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं, उनको, और जो कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे निर्माता हो, चाहे बड़े बड़े कारपोरेट घराने हो, इनकी जो आमदनी है उनको भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि 9 माह में हमारे कारोबार की क्या स्थिति चल रही है। तो वो ये आकलन कर सकते हैं कि इस 9 माह में हमारी आमदनी इतनी हुई और आने वाले तीन महीनों में हमारी आमदनी क्या होगी, इस प्रकार पूरे साल की हमारी आमदनी क्या होगी, उस साल में हमारा इनकम टैक्स के नियम के तहत कितना टैक्स बन रहा है, एक अनुमान उसका कर सकते हैं। तो उसमें उनको ये है कि मार्च तक एडवांस टैक्स भी जमा करना है पूरा, जो वो अनुमानित करें अपनी कर की लाइबिलिटी, यदि 10,000 से ऊपर TDS जो उनका कटा है, घटाने के बाद उनके ऊपर टैक्स बचता है तो वो एडवांस टैक्स भी उसमें जमा करें, वरना उनके ऊपर ब्याज भी लगेगा। तो अब जो मार्च की आने वाली अंतिम किस्त है उस तक के लिए भी उन्हें ये इसका अपने कारोबार के हिसाब से सब कुछ सेटल कर लेना है, एक अनुमान कर लेना है, ताकि वो अनुमान के आसपास ही उनकी आमदनी रहे और आगे ब्याज से उनका बचाव हो सके। ठीक बात। तो इस तरह की टैक्स प्लानिंग कर लेना हमेशा एक बेहतर रहता है, तो एक प्रॉपर समय है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि कैसे करें। मान लीजिए कि सैलरी क्लास पर्सन है, मतलब आप पहले जैसा आपने कहा उस बात की हम लोग चर्चा कर लें, पहले टैक्स स्लैब बता दीजिए क्या क्या हैं और क्या क्या स्लिप है, क्या क्या लोग आमदनी से टैक्स की दरें क्या हैं, दरें क्या हैं। अब आप, हम पहले एक आम आदमी की बात करते हैं, इंडिविजुअल या इनकम टैक्स में एक हिंदू संयुक्त परिवार की हैसियत को भी मान्यता दी गई है, तो उसकी हो चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, इनके ऊपर जो लाइबिलिटी है उसमें सरकार ने अभी 2,50,000 रुपये की आमदनी तक की पूर्ण रूप से छूट दी है। माने 2,50,000 तक यदि आपकी आमदनी होती है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक यदि आपकी आमदनी जाएगी, कर योग आमदनी, आपके सब छूटे कर मुक्तियों को घटाने के उपरांत जो कर योग आय होगी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे आमदनी कहने का तात्पर्य यही होगा कि कर योग आमदनी छूट के बाद वाली, ठीक बात। तो उसमें 5% टैक्स की लाइबिलिटी है। हम 5 लाख से 10 लाख तक के स्लैब में हैं तो 5 से 10 लाख के बीच की जो आमदनी है उसमें 20% टैक्स लगेगा। 10 लाख से ऊपर आमदनी चाहे जितनी हो उसमें 30% टैक्स की लाइबिलिटी है। अब इस टैक्स के साथ साथ माने तीन स्लैब हो गए, 5, 20 और 30, 5, 10 और 30। इस पे ये रेट हैं 5, 20 और 30, ये स्लैब के रेट हैं। और उसमें अब एक गवर्नमेंट ने पिछले साल से हायर एजुकेशन सेस लगा रखा है, उच्च शिक्षा उपकर जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं, वो टैक्स का 4% है। तो जितना हमारा टैक्स बनेगा उसका 4% वो सेस हमको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक सरचार्ज भी है जो व्यक्तिगत आम आदमी पर, इंडिविजुअल पर लगेगा या जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है इंडिविजुअल या HUF की उन पे लगेगा। उनकी स्थिति क्या है, वो सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में यदि आमदनी है तो हमें 10% देना पड़ेगा। अच्छा, 1 करोड़ से यदि हम लोग 2 करोड़ तक जाते हैं तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक जाते हैं तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो 37%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ में ये सरचार्ज हमको देना है। अब इंडिविजुअल में भी 2 तरह की कैटेगरी है जिसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि एक तो 60 साल से नीचे के लोग हैं, हाँ, सीनियर सिटीजन से, सीनियर सिटीजन नहीं है, हाँ, उनके नीचे से लोग हैं,
तो यदि इस वित्तीय वर्ष की हम लोग बात करें तो एक अप्रैल 2060 तक पैदा हुए, अच्छा हाँ, तो तब तक के जो लोग हैं वो आम आदमी हैं जो इस कैटेगरी में आएंगे। जो 2 अप्रैल 1960 के बाद पैदा हुए हाँ, ठीक बात है, सीनियर सिटीजन हो गए 60 साल के। हाँ। आप 60 का यदि कैलकुलेशन करें तो यही कैलकुलेशन आएगा। तो उनकी आमदनी पे सरकार ने 5 लाख तक छूट दे रखी है। अच्छा। कि 5 लाख तक करयोग्य आमदनी पर उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। 60 साल के ऊपर अपने रिटायर्ड जो नौकरी से रिटायर्ड लोग हैं वो भी आ जाते हैं, और वो चाहे कारोबारी हो या पेशेवर, खुद का कारोबार कर रहे हो, खुद के पैसे हो उनके, वो भी उसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन इसके मामले में एक सरकार ने एक प्रतिबंध सा भी लगा दिया, मतलब इस लाभ को सीमित कर दिया। सीमित करने का मतलब क्या है कि यदि ऐसे सीनियर सिटीजन जो 60 वर्ष के हो गए हैं उनकी आमदनी 5 लाख से जरा सी भी आगे बढ़ी जी, तो उनकी छूट 5 लाख वाली भी खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ, फिर उनको वो 2.5 लाख तक छूट मिलेगी, और 2.5 के बाद जो रेट ऑफ टैक्स है वो उनके ऊपर अप्लाई कर जाएगा, वो फिर 2.5 वाले ही इसमें कैटेगरी में आ जाएंगे। कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ। 5 तक तो वो सीनियर सिटीजन है, तो 5 तक छूट का लाभ ले लें, 5 से नीचे तक है जी, उसके ऊपर बढ़ेंगे। हम आपको इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी आमदनी 5 लाख 10 रुपए हो गई। हाँ। 5 लाख। हाँ, और 10 रुपए हो गई, तो वो 10 रुपए के होने की वजह से आपके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो 10,002 रुपए आएगी। हाँ, मतलब वो 2.5, मतलब सीनियर सिटीजन यदि 10 रुपए भी बढ़ाता है तो पूरा उसको 2.5 के बाद टैक्स देना पड़ेगा, और 10,002 रुपए और हायर सेकेंडरी एजुकेशन 400 रुपए मिला के 10,402 रुपए की लायबिलिटी आ जाएगी। जी, मैंने जी, ये जी। भी बड़ी विडंबना वाली स्थिति है कि आप सीनियर सिटीजन को देना चाहते हो टैक्स, तो भाई पूरी पूरी दे दो। उसकी जरा सी भी आमदनी बढ़े तो आप पीछे से वो बेचारा भुगत जाएगा। तो उसका को आम आदमी और सीनियर सिटीजन का अंतर समाप्त हो जाएगा। अब सीनियर सिटीजन में देखिए क्या होता है। अंजनी जी, संतोष जी, मैं आपको इस समय एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया जरूर, है इसलिए मैं रोकूंगा, और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, देखते रहिए। फायदे की क्या है सरकारी योजनाएं, आपके हित में होगी जो बात हम दिखाएंगे आपको, जानना जरूरी है। अंजनी निगम के साथ देखिए जेएमडी न्यूज पर सोमवार बुधवार सुबह 11 बजे, मंगलवार गुरुवार दोपहर 3:30 बजे, शुक्रवार शनिवार रविवार शाम 6:30 बजे। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित, दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव, मेरा दिल अनुसारी सीजन 2 से। नमस्कार, मैं हूँ संकल्प खेतवाल और हम लोग आ रहे हैं आपके शहर कानपुर में धमाल मचाने के लिए GD गोयनका पब्लिक स्कूल में 29th December को। तो आना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को लाना मत भूलिएगा, हम लोग साथ में बहुत मजे करने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हम आप लोग को सुनाने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर चंदन अग्रवाल जी, GD गोयनका चेयरमैन सर, इनवाइटिंग हम लोग इनवाइट करने के लिए, क्योंकि हम लोग आएंगे और वहाँ पे धमाल मचाएंगे। सो थैंक यू सो मच और आना मत भूलिएगा 29 दिसंबर को GD गोयनका पब्लिक स्कूल। थैंक यू सो मच। GD गोयनका पब्लिक स्कूल प्रेजेंट क्रिसमस कार्निवल 2019।
Sunday 29th December 12:30 PM on board at GT Coinka Public School. ब्रेक के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम जानना जरूरी में है चर्चा कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग पर, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट संतोष गुप्ता जी। तो संतोष जी, हम लोग बात कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन्स को कैसे छूट प्राप्त हो सकती है, कितना उन पर टैक्स पड़ सकता है अगर उनकी आमदनी 5 लाख से 10 रुपये भी ज़्यादा हो जाती है तो। लेकिन अब आप बात कर रहे थे सुपर सीनियर सिटीजन की। जी, तो इसमें हम लोग पहले इस पे चर्चा कर लें खत्म। हाँ हाँ। कि सीनियर सिटीजन की 5 लाख से ऊपर यदि आमदनी होती है जी जी, तो फिर उसकी 5 लाख की छूट खत्म हो जाती है, फिर वो 2.5 लाख पर ही आ जाता है। इसके कारण जो उस पे टैक्स होता है, तो यदि 10 रुपए भी आमदनी बढ़ी, माने 5 लाख 10 हुई, हाँ, तो उसके ऊपर टैक्स जो है 10,002 रुपए बन जाएगा। ठीक बात है। और एजुकेशन सेस 400 मिला के 10,402 रुपए बन जाएगा। हमारा यहाँ कहना ये है कि सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक पूरी तरह से सरकार को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, और टैक्स रेट उसके ऊपर फिर 2.5 लाख से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। टैक्स का जो स्लैब 5 लाख के ऊपर आमदनी पर लगे उसमें ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। ताकि ये अब ये नए बजट में तो कम से कम सरकार को कर देना। हाँ, पिछले वर्ष में जो हो गया हो गया। 60 साल के ऊपर की आमदनी के बाद आदमी की आमदनी सीमित हो जाती है, कारोबार से रिटायर हो जाता है, नौकरी से रिटायर हो जाता है, और खर्चे बढ़ जाते हैं। खर्चे उसके बढ़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत सीनियर हो जाता है, घर का बुजुर्ग हो जाता है, और तमाम खर्चे उसके अपने स्वास्थ्य पर ही तमाम खर्चे होते हैं, तमाम उसके स्वास्थ्य पे खर्चे होते हैं। दूसरा, एक सरकार ने अंजनी जी एक सुपर सीनियर सिटीजन की भी कैटेगरी बनाई हुई है। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब है कि जिन्होंने 80 साल की अपनी आयु पूरी कर ली है। मतलब यदि हम आंकड़े की बात करें तो जो 2 अप्रैल 1940 को जी जी से पहले पैदा हुए हैं, वो इस वर्ष सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। हाँ, ठीक बात है। उनकी आमदनी पर तो सरकार ने जरूर ये किया है कि 5 लाख तक पूरी तरह छूट, फिर उनकी वो छूट 2.5 लाख से टैक्स वाला स्लैब नहीं लागू होगा, वो उन पे नहीं लागू, उन पे नहीं लागू होगा। लेकिन वो रेट भी कम है, आप देखिए, क्योंकि इनके ऊपर तो चलिए 2 रुपए टैक्स आया, कुल मिला के 2 रुपया 8 पैसा आएगा। हाँ, हाँ। 5 लाख 10 के उदाहरण से चले हम लोग। हाँ, हाँ। क्योंकि उनके ऊपर स्लैब रेट 5 के बाद शुरू हो रहा है। हाँ, जी, उस पीछे 2.5 लाख पे नहीं लग रहा। हाँ, हाँ। तो ये अच्छा है, लेकिन ये सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए जो 60 साल पूरे हो गए, और सुपर सीनियर सिटीजन की आमदनी कम से कम 8 से 10 लाख के बीच करमुक्त कर देनी चाहिए। 80 साल का बुजुर्ग हो जाता है, आमदनियाँ सारी बंद हो जाती हैं, कारोबार वो लगभग अपने आगे आने वाली पुत्रों को और इनके पोतों वोतों के उसमें छोड़ देता है, और जो नौकरी से रिटायर हो जाता है वो भी 80 साल का हो जाता है, उसके तमाम दवा दारू के खर्चे शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये खर्चे बढ़ जाते हैं, इस तरीके से बढ़ जाते हैं, परिवार के लिए भी वो अपनी जिम्मेदारी को इस उम्र में महसूस करने लगता है। तो जो उसके पास बैंक में पैसा है ब्याज से आ रहा, वो अपने परिवार के ऊपर खर्च भी करने लगता है। ठीक बात। तो उसको ये स्वतंत्रता सरकार को देनी चाहिए। जब सुपर सीनियर सिटीजन हम उन्हें मान रहे हैं, तो छूट हमारे हिसाब से तो उनसे 8 लाख की बढ़ा देनी चाहिए। अब हम लोग बात करें तो हमारे देश में जो कारोबार होते हैं जी, वो पार्टनरशिप फर्मों में भी होते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि परिवार में हम लोग एक दूसरे के सदस्यों को उस फर्म में साझेदार बना लेते हैं और कारोबार करते हैं, या अपने इष्ट मित्रों को साझेदार बना लेते हैं। हाँ, तो उनके साथ कारोबार कर रहे हैं। उसमें देखिए क्या है, एक दूसरा स्ट्रक्चर है कि कंपनी, हम कंपनी बना लेते हैं जी जी, LLP बना लेते हैं। पार्टनरशिप का एक नया राम जो कॉर्पोरेट सेक्टर में रजिस्टर्ड होता है जी, जो इस समय काफी जाना माना जा रहा है, वो LLP भी है और कॉर्पोरेट और कंपनी भी है। तो ये जो कैटेगरी है इस देश में चल रही है कारोबार करने की, वो आम मध्यम आय वर्गीय लोग तो यूटिलाइज कर रहे हैं जी, इसको इसका ढांचा बना के, कॉन्स्टिट्यूशन बना के इससे कारोबार कर रहे हैं, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने तो कर ही रहे हैं, लिमिटेड कंपनी है उसमें। तो हम लोग यदि मध्यम वर्ग की बात करें तो वो इसमें चल रहा है। इसमें एक बड़ी विडंबना है क्या, कि साझेदारी फर्म को कोई इनकम की छूट नहीं है। हाँ, हाँ। जो साझेदार काम कर रहा अच्छा है फर्म के लिए, उसको इंटरेस्ट उसकी पूंजी पर और वेतन से छूट उस फर्म को जरूर मिल जाती, लेकिन वो उन साझेदारों की व्यक्तिगत आमदनी में जोड़ दी जाती है। और एक पैसे की छूट नहीं है, यदि आप 1,000 रुपया भी
पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट इसके बाद निकल रहा है तो उस 1000 रुपए पे उसे 30% माने 3000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा और 4% हायर एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए के ऊपर फर्म की आमदनी रहती तो 12% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। अब वही कंपनियों की स्थिति देखिए, जो डोमेस्टिक कंपनी है माने देसी कंपनी, जो अपने देश की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के ऊपर भी एग्जम्पशन लिमिट कोई नहीं है। लेकिन यदि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से कम था तो उनके ऊपर रेट ऑफ टैक्स 25% केवल लगेगा। साझेदारी फर्म में भुगत रही है उनके ऊपर 30 ही है, जबकि साझेदारी फर्म बहुत ज्यादा कारोबार कर रहे हैं इस देश में, वो छूट की पहली हकदार हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने जो बनाया गलत है, ये साझेदारी फर्म को भी उन्हें इसी तरह छूट देनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगले बजट में उनको ये मिलना चाहिए, करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए कि जो कंपनी को छूट दी जा रही है वही बेस पर उसको 25% टैक्स की लायबिलिटी पर लाएं और उसको छूट दें। तो ये चीज कंपनियों के ऊपर भी है। अब आप देखिए विदेशी कंपनियों कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो टैक्स है 10,000 तक 10% है, 10,000 से ऊपर बढ़ता है तो 20% टैक्स है और 1 करोड़ के ऊपर 30% प्लस टैक्स है, तो इसमें तो कम जाते हैं लेकिन उसमें वो रखते हैं। अब हम आपके सामने जरूर चर्चा करना चाहेंगे एक छूट की। वो छूट क्या है कि हर इंडिविजुअल को मिलती है, जो भी हमने आपको छूटें बताई उसके अलावा ये छूट क्या है कि पिछली बार आपको याद होगा लोग बड़े खुश हुए थे जब बजट आया कि हमें 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना। आपके भी सारे न्यूज चैनल और लोगों ने बताना शुरू कर दिया बजट के बाद, लेकिन दोपहर होते होते तक स्थिति स्पष्ट हो गई कि वस्तुता ये नहीं थी। उसका मसला खाली इतना था कि 5 लाख तक की आमदनी रहती है तब तो छूट है, और 5 लाख से जरा से भी आमदनी बढ़ी तो वो छूट बिल्कुल पूरी खत्म हो जाएगी और वो 2.5 लाख की छूट मानते हुए फिर उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा, फिर हम 2.5 पे ही आ जाते हैं। तो वो 5 में नहीं आए हम। अब इस बजट में हम ये जरूर आपके मंच से कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से सरकार से कि भाई ये पूरी तरह से 5 लाख की छूट दे दो, क्योंकि जो आजकल महंगाई बढ़ी हुई है, मूल्य सूचकांक बढ़ा है, रुपए की क्रय क्षमता लगातार घटती चली जा रही है, तो ऐसी दशा में परिवारों में हम लोग हिंदुओं में, या हम अपने भारतवर्ष की बात करें, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग अभी हिंदुस्तान में अकेला चलो रे पे नहीं चल रहे हैं। ना, ना, विदेशों ना। की तर्ज में हम परिवार के रूप में मिलकर रहते हैं और परिवार का मुखिया खर्च करता, बाकी लोग सब परिवार के उसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये छूट का दायरा बढ़ाना चाहिए, बिना किसी शर्त के 5 लाख आपको कर देना चाहिए, तो एक ये चीज ऐसी है। तो ये छूट की दरों के बारे में विस्तृत हमने आपसे जानकारी दी। अब आगे कोई और चर्चा आप करना चाहें आप बताएं, आपका स्वागत है, वो और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इंडिविजुअल को क्या छूट मिल रही है, लेकिन हम छोटी सी चर्चा और करना चाहेंगे कि वो धारा 80CC, धारा 80AA, इनमें छूट क्या है, बस ये एक संक्षेप में थोड़ा सा बता दीजिए। आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि वही आगे आपको टैक्स प्लानिंग करने में मदद करेगा। जी जी जी, कि आगे आप कैसे टैक्स प्लानिंग करें। देखिए, जो सैलरीड क्लास पर्सन हैं, जी जी, उनके लिए तो सरकार ने पिछले बजटों से और इस साल भी 50,000 रुपए तक का एक छूट का डिडक्शन दे रखा। अच्छा, ये तैयारी के सिलसिले के लिए ध्यान रखने वाली बात है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लाख दे रखा है। HRA की छूट भी नियमों के तहत है, काफी मिल जाती, जो बची खुची है वही आमदनी में जुड़ती है और नहीं होती। इसके अलावा तमाम छूटें सैलरी वालों को स्पेशल अलाउंस के रूप में है, इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में है, स्पेशल अलाउंस में तमाम है, चाइल्ड बच्चे की शिक्षा के लिए, हॉस्टल के खर्चे के लिए, जो हमारी आर्म फोर्सेज बॉर्डर में तैनात हैं उनकी वर्दी, उनके रहन सहन, उनके हॉस्टल, और जो उन परिस्थितियों में रहते हैं हिली एरिया में, उनके लिए भी तमाम छूटें कर रखी हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट छूट है जो हमको तैयारी के सिलसिले में ध्यान रखनी है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे पेशेवर व्यक्ति हो। क्या कि जो हम आमदनी मकान हम अपना खरीदते हैं या बनाते हैं तो उसमें होम लोन लेते हैं। हाँ, तो होम लोन में जो हम ब्याज भुगतान करते हैं, यदि प्रॉपर्टी हम रेंट पे उठा देते हैं तो 2 लाख तक ब्याज पे हमें पूरी आमदनी से छूट मिलती है। यदि हम खुद रहना चाहते हैं तो जितना भी ब्याज है उस पूरे ब्याज की छूट मिलती है। और इसमें यदि हमारी आमदनी लॉस में चली जाती है इस ब्याज की छूट के कारण
तो उसकी छूट दूसरी इनकम के सोर्स से, चाहे सैलरी हो चाहे बिजनेस हो, अच्छा, उससे भी घटती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि सैलरी वाले ये होम लोन के लिए बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, होम लोन के ब्याज की हमें छूट मिली कि नहीं मिली। तो ये दूसरे सोर्स से भी घट जाती है। तो कारोबारी को भी ध्यान रखना है, सैलरी क्लास वालों को भी ध्यान रखना है। ये तो थी ऐसी छूटें जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। होम लोन की एक और खास बात यह है कि धारा 80 सी में जो उसकी मूल किस्त है, जी जी, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट ऐसा होता है जो ईएमआई आपकी बनती है मंथली पेमेंट की इंस्टॉलमेंट, उसमें एक कंपोनेंट होता है जो मूलधन को कम करता है, एक कंपोनेंट होता है जो इंटरेस्ट के खाते में जाता है जी। तो जो इंटरेस्ट के खाते में गया उसको आपको आमदनी से छूट मिल गई। जो मूलधन के खाते में पेमेंट होता है वो धारा 80 सी में 1.5 लाख की लिमिट के लिए जोड़ लिया जाता है। 1.5 लाख की लिमिट, जो 1.5 लाख की लिमिट जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हाँ, लोन का खत्म हो रहा है उसमें जोड़ लिया जाता है। अब यदि एक आम आदमी के नजरिए से हम लोग देखें कि उसे क्या क्या अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए करना चाहिए, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट छूट है धारा 80 सी के तहत जी, 1.5 लाख की। हाँ, धारा 80 सी के तहत जो चीजें आती हैं, जैसे आपका LIC है, यूलिप है, प्रोविडेंट फंड है जो सरकार भी, जो एम्प्लायर भी देता है, या आप भी अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकते हैं। हाँ, PPF म्यूचुअल फंड है जो नोटिफाइड हैं, LIC के हैं, दूसरी कंपनियों के हैं। होम लोन की स्कीम है, ट्यूशन फीस आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो दो बच्चों की ट्यूशन फीस का खर्चा इसमें शामिल किया जाता है। NPS नेशनल पेंशन फंड में जो पैसा दिया जाता है वो शामिल किया जाता है। 5 साल से ऊपर के बैंक FDR पोस्ट ऑफिस के या बैंक यदि आप बनवाते हैं तो वो धारा 80C के 1.5 लाख की लिमिट में शामिल किए जाते हैं। ये उन रिटायर्ड आदमियों के लिए विशेष आकर्षित करती है। तो ये 1.5 लाख की ये छूटे हैं। नाबार्ड में यदि आप पैसा लगाते हैं, सीनियर सिटीजन है आप 60 साल के ऊपर, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ने दी है, हाँ, उसमें भी पैसा आप लगाते हैं तो भी ये 1.5 लाख की लिमिट में आ जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना जो कन्याएं हैं उनके लिए भी सरकार ने, आप यदि 10 साल से नीचे की आपकी बच्चियां हैं तो उसमें जमा स्कीम के तहत आप लगाएंगे तो वो 1.5 लाख की छूट में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी ग्रॉस सकल आमदनी है उसमें से 1.5 लाख की छूट इन चीजों पे लगाने में आप ले सकते हैं। इसमें तमाम तो 60 साल के ऊपर वालों के लिए भी आकर्षित करती हैं, तमाम 60 साल के नीचे वालों के लिए हैं कि वो भी निवेश करके इस छूट का फायदा ले सकते हैं। दूसरी एक छूट ये है कि धारा 80-80D के तहत हम NPS सर्टेन जो नोटिफाइड फंड हैं उसकी छूट ले सकते हैं। धारा 80D में नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह जो है, और धारा 80D में मेडिक्लेम अपने लिए 25,000 या सीनियर सिटीजन परिवार का है तो उसके लिए 25,000, माने कुल मिला के 50,000। 50,000 माने इंस्टॉलमेंट अगर है प्रीमियम, हाँ, यस, प्रीमियम की आप छूट ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी संतोष जी आपने कि किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम सरकार द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ ले सकते हैं। आपको बहुत 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 धन्यवाद अंजनी जी। वक्त हो तो दो चार नहीं, अब वो समय तो खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, और हम लोग जो चर्चाएं रह गई हैं इसको फिर किसी अन्य एपिसोड में कवर करेंगे। तो आप दर्शकों आपने जाना कि जानना जरूरी में है टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, और टैक्स प्लानिंग कोई अलग से नहीं करनी है, जो सरकार द्वारा दी जा रही छूटें हैं जो वास्तव में हमारा अधिकार है उसका उपयोग करते हुए हम टैक्स की बचत कर सकते हैं और अपनी आय के जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं जो टैक्स में चले जाते हैं ना जानकारी के कारण उसको बचा सकते हैं। जानना जरूरी है आज इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज,
and continental food